नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल द वंदे भारत। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने नई चेतावनी जारी की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का ठीक तरह से पालन नहीं किया गया तो अक्टूबर नवंबर में तीसरी लहर अपने पीक पर हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में हर दिन आने वाले नए मामलों की संख्या आधी हो सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पिछले साल कोरोना संक्रमण मामलों का अनुमान लगाने के लिए एक पैनल का गठन किया था। ये पैनल मैथमेटिकल मॉडल के जरिए अनुमान लगाता है। पैनल के सदस्य मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि अगर कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया तो तीसरी लहर में संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल सकता है। उन्होंने ये अनुमान सूत्र मॉडल के जरिए लगाया है। इस पैनल का मानना है कि अक्टूबर नवंबर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का पीक हो सकता है। मनिंद्र अग्रवाल के अलावा इस पैनल में आईआईटी हैदराबाद के एम विद्यासागर, इंटीग्रेट डिफेंस स्टाफ की डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितर भी शामिल है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि तीसरी लहर के दौरान हर दिन कोरोना के नए केस 1.5 से 2 लाख के बीच आ सकते हैं। ये दूसरी लहर के पीक से आधा होगा। दूसरी लहर के दौरान 7 मई को 4.14 लाख केस दर्ज किए गए थे। मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि अगर कोई नया वेरिएंट आता है तो तीसरी लहर ज्यादा तेजी से फैल सकती है। हालांकि उनका ये भी मानना है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार तीसरी और चौथी लहर की संभावनाओं को कम कर सकती है। उनका कहना है कि अगर हम आशावादी रहे तो ये मानकर चल सकते हैं कि तीसरी लहर में हर दिन 50,000 से 1 लाख के बीच केस आ सकते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।